बारात आने की तैयारी में है और हम लोग यहाँ पे खाना वाना खा के अपना भोजन हमारा हो चुका है। विटामिन डी ले रहे हैं फिलहाल हम। हाँ खाना ऐसे जो है लोग जमीन में बैठ करके सब लोग एक साथ खाते हैं। हमारे पंडित जी इनसे मिलो। हाँ आज तो हीरा गुरु बहुत फर्स्ट टाइम आ रहे हैं भाई ब्लॉग में। बहुत फ्रेंड्स हमारे पहाड़ों में आज की डेट में भी ऐसे ही बैठ के खाना खिलाते हैं। और ये देखो भाई जो ऐसे बैठ के जमीन में खाने का स्वाद है ना वो कहीं पे नहीं है यार। ये देखो और ये है हमारे पहाड़ की इमली, जिसे कहते हैं इमली। इसका अचार बनता है और इसकी एज होने पर ये पक जाती पेड़ में, तो आहा कितना मीठा होता है ना। तो हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार प्रणाम पहला, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। अपन लोग एकदम मस्त है यार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी बज रहे हैं यार 12:00। तो आज दोपहर से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी 3-4 दिन से, क्योंकि आज मैं 4-5 दिन के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। मन तो आज भी नहीं कर रहा था मेरा, लेकिन मैंने सोचा यार थोड़ा बात बात कर लूँ आप लोगों से। और भाई 4-5 दिन पहले एक शादी में गया हुआ था मैं बल्ली, तो उस शादी से ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ठंडा इतना था यार, जहाँ पे बरात गई हुई थी तो वो ठंडा लगा मेरे को, तो बोलने गला इतना मतलब ऐसा हो रहा है ना अंदर से, मतलब कि बोला ही नहीं जा रहा यार, बहुत इतनी तबीयत ख़राब हो रही है हद से भी ज़्यादा। अभी भी हम लोग एक्चुअली अभी भी तैयारी है हमारी शादी में, निमंत्रण में जा रहे हैं अभी भी। एक्चुअली लड़की की शादी है, पिरपानी करके है आगे है घर, तो अभी भी हम लोग शादी में जा रहे हैं। भाई लोग भी आ रहे हैं पीछे, और कुछ लोग चले गए हैं हमारे यहाँ से, और कुछ लोग पीछे आ रहे हैं, और अभी भी जा रहे हैं हम लोग शादी में जा रहे हैं। लड़की की शादी है एक्चुअली त्रिपानी में, तो आज भी शादी में जा रहे हैं यार। देखते हैं आज के दिन की शुरुआत थोड़ा लेट से हुई है मेरी, दोपहर से ब्लॉग की शुरुआत हुई है फ्रेंड्स। तो देखता हूँ यार क्या क्या कर पाता हूँ मैं और क्या क्या दिखा पाता हूँ आप लोगों को। चलो फिर करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। कितना तकड़ा व्यू आ रहा है यार यहाँ से देखो ना। तो ये देखिए गाँव के सारे लोग शादी का भात खाने के लिए आ रहे हैं आज। ये सबसे आगे भात खाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं गाइस, ये देखें। और ये देखिए भाई काफ़ी हालत ख़राब हो गई यार फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ पे शादी है आज वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ी चढ़ाई है यार, तो ऐसी हालत ख़राब हो गई मेरी तो। और ये लोग भाई लोग आगे देखिए देखिए निशा थक तो नहीं गई तू? थक गई ना। कल क्यों नहीं आई थी फिर मेहंदी में? कल तो देखा ही नहीं मैंने तेरे को। कल मैं घूमने गई थी। अच्छा घूमने के लिए गई थी। यार फ्रेंड्स हमारे पहाड़ों में आज की डेट में भी ऐसे ही बैठ के खाना खिलाते हैं। और ये देखो भाई जो ऐसे बैठ के ज़मीन में खाने का स्वाद है ना वो कहीं पे नहीं है यार। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स हमारे गुरुजी कैलाश गुरुजी, नमस्कार। हो गुरुजी और इनके साथ हिला गुरु, आओ गुरु थोड़ा इधर तो आओ। तो आज फर्स्ट टाइम आएंगे गुरु हमारे ब्लॉग में यार। ये है भाई आज के लंच स्पेशल, क्या है फिर गुरु क्या बना रखा है लंच में? यहाँ कन्यादान है और यहाँ शादी में खाना बनता है। आज हमारे यहाँ की परंपरा है ऐसे जो है लोग जमीन में बैठ करके सब लोग एक साथ खाते हैं। हमारे पंडित जी इनसे मिलो। हाँ आज तो हीरा गुरु बहुत फर्स्ट टाइम आ रहे हैं भाई ब्लॉग में। बहुत बड़ो गुरु के तो चेहरे में रौनक ही रहती है यार 24 घंटे। तो आज के लंच में क्या क्या बनाया फिर? और इनसे मिलो, ये भी लाइन में इधर। हाँ ये हमारे सूर्य चाचा है भाई बुल्ली के। लंच में क्या बनाया गुरु, क्या क्या बना रखा है? दाल चावल, रायता भी है और चटनी सलाद कई चीज है। चलो बढ़िया बढ़िया, लोगों को जो है मिल बांट के ऐसे जमीन में बैठ के खाने में बड़ा आनंद आता है। बहुत बढ़िया होता है पहले से हमारी मैदानी भागों में उतना मजा नहीं जितना पहाड़ों में। जरूर 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 गुरु जरूर, बहुत ही अच्छा है। हेलो गाइस,
ये हमारे दो गुरुजी हैं, ये भात दाल पकाने में मस्त हैं। गाइस फाइनली दोपहर का लंच हंच हो गया है हमारा और हमारे दादा अभी कर ही रहे हैं लंच। तो लंच कैसा है विराज का लंच? लंच बहुत टेस्टी है यहाँ पे अभी लंच। आप अगर आप लोग को लंच करना है तो आप टाइम से आइए कृपया। क्या चीज़ अच्छी लगी आज? आज सबसे बढ़िया रायता लगा। रायता सबसे अच्छा है भाई, बाकी क्योंकि बाकी किसी को दिया नहीं है, सिर्फ मुझे दिया गया। दादा अभी खाने में ही है। दो घंटे हो गए खाते खाते। बढ़िया बढ़िया। और बारात तो अभी लेट ही आएगी। बारात बहुत लेट आएगी 4 बजे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कृपया आप 4 बजे हम सभी से मिलिएगा प्लीज। अभी बारात आने में बहुत टाइम है यार फ्रेंड्स। तो हमारे चाचा आज सेकंड बार आएंगे ब्लॉग में। चाचा को नमस्कार। नमस्कार। हो गया लंच हो गया आपका? हाँ यस लंच हो गया। हमारी धोती और क्लोज हो चुकी है। और हाय सबको। और बारात आने का बारात आने की तैयारी में है। और हम लोग यहाँ पे खाना ना खा के अपना भोजन हमारा हो चुका है। विटामिन डी ले रहे हैं फिलहाल। हाँ खाना ना हो गया हमारा। और हमारी बारात आने के लिए तैयार है यहाँ पे। और हम लोग बारात के स्वागत की तैयारी करते हुए आज संशेद और भतीज हमारे संशेदा ब्लॉग नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। और सब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। और मैं सुरेश गांव का लाइनमैन, आप लोगों का सेवक भाई। लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बेहतर बढ़िया ये ब्लॉग बनाते हैं और हमारे गांव की परंपरा। और मैं ये कहना चाहूँगा आज हमारी बारात आने के लिए तैयार है यहाँ पे। हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं और खाना आना हमारा हो चुका है। बस अब आपको आगे की वीडियो दिखाएंगे। इस ब्लॉग में बनी रही है आगे को दिखाएंगे। देखिए आज की इस वीडियो में होने वाला है कुछ धमाका और मजेदार। मामा जी देखिए, चाचा यहाँ पे भाई इमली गिरा रहे हैं। सूरी चाचा हमारे, ये देखो लाओ भाई इमली लाओ। और ये इमली का पेड़ ये देखो भाई, तो गजब ही है भाई। क्या बात है भाई, मजे आ गए। चाचा इसका तो अचार भी होता है ना? जी हाँ, ये बहुत ही रोमांटिक अचार इमली है। और थोड़ा हम पेड़ को भी दिखाएंगे आप भाई लोग को। सबसे पहले मैं सब भाई लोग को नमस्कार कर दूं। और ये है हमारे पहाड़ की इमली, जिसे कहते हैं इमली। इसका अचार बनता है और इसकी एज होने पर ये पक जाती है पेड़ में। तो आहा कितना मीठा होता है ना, मजा आता है भाई। कितनी बढ़िया इमली है, इसका अचार बनता है। ये कई लाभदायक है, इसको खाएंगे। अब तो ये कच्ची है फिर भी थोड़ा खट्टी होगी, मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। हमारी पहाड़ की इमली, सबसे पहले तो ये अगर एज होने पर जैसे पक जाती है पेड़ में तो कितनी मजेदार इमली होती है। ये हमारे पहाड़ की इमली इसका नाम चला हुआ है। अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ एक बार। मजा आ गया भाई लोग, मजा आ गया। अच्छा जो पहाड़ों में जो उत्तराखंड से होंगे उनको तो पता होगा यार फ्रेंड्स, ये इमली है। पता हुआ जो बाहर से होंगे यार उनको ऑलरेडी एक्चुअली पता नहीं होगा। उनको मैं बता देना चाहता हूँ कितना मजा आता है टेस्ट, खट्टा मीठा। ये इमली मानी जानी इमली है और बेहतर बढ़िया ही टेस्टी इमली है। ये हर जगह मिलता भी नहीं है, ये सब जगह नहीं होती है, पहाड़ों में होती है, थोड़ा सा पहाड़ हमारे। और ये पेड़ देखो भाई, इमली का ये पेड़ है इमली का एक्चुअली। और कितने बहुत सारे लगे हैं यार, है ना। कितना मजा आ रहा है इसको खाने में, कितना मजा आ रहा है इस इमली को खाने में। इसका अचार बनता है और कई चीजें लाभदायक है। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रोमांटिक है। और हमारे शादियों पार्टियों में इमली का अचार और हर जगह पे, मैं तो कह रहा हूँ मजा आ गया इसको खाने में। देखिए कितना प्यारा लगा है। पहाड़ों की ठंडी वादियाँ, ठंडी ठंडी हवाएं, क्या मस्त है, मस्त फिजाए। किसका मन करता है भाई लोग यहाँ से छोड़ के जाने, हमारी देव भूमि उत्तराखंड। इतना प्यारा, कितनी मस्त हवा है। सुबह मक्के की रोटी, सरसों का साग, एक गिलास लस्सी वो है। कौन छोड़ेगा इन पहाड़ों को, हमारी देव भूमि है। ये देखिए कितनी बढ़िया इमली, इमली मिले के एक एक चीजें मिलती है हमारे पहाड़ों में। कितना बढ़िया हमारा पहाड़। और देखो हरे भरे पूरे बाग बगियान है। देखिए कितना बड़ा इमली का पेड़ है। उनकी छाँव में मैं बैठा हूँ और इमली खा रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है। इसको छोड़ के शहर में कौन जाएगा भाई लोग, बुरा मत मानिएगा प्लीज। हम तो पहाड़ से हैं और पहाड़ के ही बंदे हैं, पहाड़ में ही रहेंगे। जय उत्तराखंड, जय। तो फ्रेंड्स अभी पहुंच रही है यार बरांडे, देखो 4 बज गया है, अभी आ रही है भाई बरांडे। देखिए ये मैं ध्यान नहीं कर रहा, ये पिटारी अलग अलग टीम बनाए नाम के पूरे दिन अभी चाल बात। तो ये रहे भाई छलिया दल आज के। ये
झूठे बन रहे हैं वाला मस्ती से दो के दुल्हे राजा बना ले तो दो मिनट लगा देखो भाई ना।